विज्ञान शाश्वत सुख का। ये फिल्म किसी धर्म या संप्रदाय के उपदेश या प्रचार के लिए नहीं है, परंतु परम पूज्य दादा भगवान ने जो देखा, जाना और अनुभव किया, वो दृष्टि, वो ज्ञान, वो अनुभव धर्म, जाति या ऊंच नीच के भेदभाव के बिना अधिक से अधिक लोग प्राप्त करें, ऐसी भावना मात्र है। समय और संयोग ऐसे सर्जित हुए हैं कि आप अभी ये फिल्म देखने के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि ये फिल्म समर्पित है उन सबको जिन्हें चाहिए सभी प्रकार के दुखों में से नित्य मुक्ति का आनंद, और उसके लिए आत्मा की पहचान के मार्ग पर चल तो पड़े हैं परंतु अभी किसी अनुभव से वंचित हैं। ये फिल्म समर्पित है उन सबको भी जो इस मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्नशील हैं, परंतु संपूर्ण रूप से स्वीकार की जा सके ऐसी सही दिशा की खोज में हैं, और उन सबको भी जो ये सब दुर्लभ और कठिन है ऐसा मानकर इस मार्ग पर कदम बढ़ाने से हिचकिचाते हैं। सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही प्रभात का वातावरण गूंज उठता है प्रार्थना के पवित्र सुरों से। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव। हम सभी का ध्येय है समस्याओं बिना का शांतिमय सुखमय जीवन, परंतु सुख यानी क्या? वो मेरा मन चाहा जो मुझे मिले वह मेरे लिए सुख है। बच्चे अच्छी तरह पढ़े, माता पिता से अच्छा ऐसा सपोर्ट मिले। किसी भी मंदिर में जाकर मन को एकदम शांति मिलती हो ऐसा। कुछ वस्तुएं हैं उतनी तो चाहिए, सपोजिंग व्हीकल्स है, क्लोथ्स है, और एंटरटेन के लिए जितनी भी चीज़ें वो। तो ऐसा मानना है कि माँ बाप की सेवा करने से अधिक दूसरा कोई सुख नहीं। सारे दिन काम में व्यस्त रहकर जो सुख मुझे मिलता है वह सुख मेरे लिए बड़ा। दूध बाजरे ने दिख रहा आनंद। जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं उपार्जन की विभिन्न प्रवृत्तियों के द्वारा, और साथ साथ भविष्य को, प्रारब्ध को सुखमय बनाने के लिए अपनी अपनी समझ और श्रद्धा के अनुसार हम अनेक प्रयोजनों का आधार भी लेते हैं। पर सुख की इस खोज का परिणाम क्या? क्या ये सुख शाश्वत है? हमेशा तो किसी के पास नहीं रहा, चाहे जितना हो पर किसी के पास रहा है ना। परमानेंट कोई वस्तु नहीं रही, वो कभी भी नहीं, संभव नहीं। आदर्श है तो कल ना भी हो। प्रयत्न मैंने किए हैं पर या अभी तक सब उधर ही है। ऐसा परमानेंट सब जैसा तो कुछ है ही नहीं अभी। नहीं, वैसा तो वो तो संभव ही नहीं है। कभी हमारा सुख अन्य के दुख का कारण बन जाता है,
तो कभी हमारा फायदा दूसरों के लिए नुकसान भी हो सकता है। तो कभी बाहर से प्राप्त किया हुआ हमारा सुख संजोग बदलने से हमारे ही दुख का कारण बन जाता है। फिर भी जाने अनजाने जीव मात्र में शाश्वत सुख पाने की लालसा स्वभावतः होती ही है। क्या ऐसा शाश्वत सुख संभव है? ऐसा सुख जो आने के बाद फिर कभी जाए ही नहीं और जो सबके लिए एक सा ही हो। ऐसा शाश्वत क्या है जिसमें से शाश्वत सुख प्राप्त हो सकता है? तो फिर जिसे सुख दुख की अनुभूति होती है वो कौन है? हाँ, बहुत मुश्किल प्रश्न है। ना अभी उसमें गहरे उतरी भी नहीं और उतना उसमें नॉलेज लेने का मैंने ट्राई भी नहीं किया कभी भी। Yeah, but these are very, very big things. वो तो मैं सच कहूँ तो मुझे पता ही। निरुत्तर रह जाते हैं ऐसे अनेक प्रश्न, बिना समाधान की रह जाती हैं अनेक शंकाएं, और फिर सुख दुख तो जीवन का एक हिस्सा है ऐसा हम स्वीकार कर लेते हैं। धूप छाव जैसा है, आता है जाता है, सुख दुख तो जीवन का एक भाग है। चढ़ाव उतार तो आता ही है जीवन में, नसीब में। बस आता रहता है, जाता है और होता रहता है, बस सुखी बात। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, ऐसा जीवन में होता है। ठीक, परंतु जो तर्क और दलील जानते हैं, ज्ञान और विज्ञान को ही मानते हैं, वे किसी भी खोखले अर्थघटन से संतुष्ट होने के बदले हर एक परिस्थिति में आनंद से रहने का विज्ञान समझने का प्रयत्न करते रहे हर एक कालचक्र में। कितने ही उसमें सफल होकर पूर्णत्व को प्राप्त कर सके और जगत को भी ये मार्ग बताते रहे, परंतु उनके बाद समय के साथ अपनी अपनी समझ के अनुसार उस ज्ञान को समझने का दृष्टिकोण बदलते जाने के कारण वो विज्ञान ओझल होता गया। मूल पुरुषों के हृदय की बात और उनके अंतर का आशय न जाने कहां खो गया। परंतु रात्रि का अंधकार हमेशा नहीं रहता। अंधारा कोटि वर्षना पड़साठ मा उले चशे टंको ज्योति स्वरूपे प्रगटशे। क्यों बेटा, नींद नहीं आ रही? माँ, खटमल काट रहे हैं, आपको नहीं काटते? हाँ काटते हैं ना, तो फिर उन्हें मार क्यों नहीं देते? अरे बेटे, वह बेचारा तो अपने हिस्से का खाकर चला जाता है, वह थोड़े ही बर्तन लेकर मांगने आता है कि कुछ दे दो माए बाप। अब आया है तो खाकर ही जाए ना। पर हमें काटे तो? बेटे, हमारा यह शरीर ऐसा है कि इसे किसी को दुख ना हो, जो आए कुछ तो सुख पाकर ही जाए, समझे ना? हाँ माँ। इस बालक का नाम है अंबालाल। गुजरात में भादरण गांव के वासी
मूलजी भाई पटेल और झवेर बा के परिवार का छोटा पुत्र। 7 नवंबर 1908 के दिन गुजरात में बड़ौदा के पास तरसाली गांव में उनका जन्म हुआ। घर में सबका लाडला और नटखट था। एक दिन बेटा, तूने उसे क्यों मारा? उसे खून निकला है। माँ, उसने मुझे गाली दी। उस बेचारे की माँ नहीं है ना, तो मुझे क्या? उसकी दवाई कौन करेगा? कितना रो रहा होगा बेचारा, उसे कितना दुख हो रहा होगा। हाँ माँ। तो फिर हमें किसी को दुख देना चाहिए? ना बेटा, आज से तय कर कि मैं मार खा कर आऊंगा पर कभी किसी को नहीं मारूंगा। तुझे लगा तो मैं हूं ना, मैं तेरी दवाई करूंगी। ऐसा? हाँ, बस मेरी इतनी बात रखना। हाँ, समझ गया मां। इस प्रकार उनकी माताजी ने बचपन से ही अहिंसा के संस्कार दिए। जो आए कुछ तो सुख पाकर ही। जब फिर हमें किसी को दुख देना चाहिए, बस मेरी इतनी बात रखना। तो फिर हमें किसी को दुख देना चाहिए, कुछ तो सुख पाकर ही जाए, बस मेरी इतनी बात रखना। उसके बाद क्षत्रिय प्रकृति वाले अंबालाल को जीवन भर मन से भी किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं हुआ। बच्चों, आज हम LCM यानी लघुतम साधारण अवयव सीखेंगे। उसका मतलब क्या गुरुजी? LCM यानी ऐसी छोटे से छोटी अविभाज्य संख्या जो इन सभी संख्याओं में हो। मास्टर जी, आपकी इस व्याख्या से तो मुझे भगवान मिल गए। यानी ये सब लोग रकम ही है ना। हर एक जीव में अविभाज्य रूप में आत्मा है और वही भगवान। इस प्रकार छोटी उम्र से ही उनमें अध्यात्म की गहरी समझ थी। अरे, ये तेरी कंठी तो टूट गई। टूटने दो। अब हमें कंठी बंधवाने फिर से गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। ना माँ, मुझे ऐसी कंठी नहीं बंधवानी। अरे बेटे, ये कंठी तो बंधवानी पड़ती है ना, नहीं तो लोग तुझे नुगरा बिना गुरु का कहेंगे। भले कहें माँ, गुरु तो वे कहलाते हैं जो हमें प्रकाश दिखलाएं, सच्ची समझ दें। बचपन से ही उन्हें किसी भी प्रकार का बंधन पसंद नहीं था। इस प्रकार हम सभी की तरह उनके जीवन में भी अनेक प्रसंग आए, परंतु उनमें उनकी दृष्टि कुछ अलग ही थी। साधारण प्रसंगों पर से वे अनोखा सार निकाल लेते थे। सोलह वर्ष की आयु में उनका विवाह हीराबा के साथ हुआ। उस समय उनके सिर पर बांधा हुआ साफा खिसक कर आंख पर आ गया, जिससे मुड़कर देखने पर भी बगल में बैठी हीराबा दिखाई नहीं दी। तब तुरंत उन्हें ये विचार आया कि इस शादी का अंतिम परिणाम क्या है। अंत में दोनों में से एक को तो अकेला रह जाना पड़ेगा ना। शादी जैसे जबरदस्त मोह के अवसर पर भी उत्कृष्ट वैराग्य का ऐसा अद्भुत विचार। 19 वर्ष की आयु में उनके यहां पुत्र जन्मा और एक साल बाद। लो भाई, पेड़े खाओ। अरे पेड़े? किस खुशी में अंबालाल? अरे पहले खाओ तो सही, फिर बताता हूं। लो, अब बताओ अंबालाल। वो जो मेहमान आए थे ना पिछले साल, वो गए। क्या बात करते हो, तुम्हारा बेटा? हाँ, ये तो सब कुदरत के मेहमान हैं। आए
तो आनंद और जाए तो भी आनंद। दो वर्ष के बाद पुत्री का जन्म हुआ और उसकी मृत्यु के समय भी यही समझ हाजिर रही। दाम्पत्य जीवन में भी वे इस प्रकार एडजस्ट होकर रहे कि कभी भी हीराबा के साथ मतभेद या टकराव हुआ ही नहीं। शादी के बाद हीराबा को ग्लूकोमा होने के कारण एक आंख की दृष्टि चली गई, परंतु उन्होंने जीवन भर उनका साथ निभाया। समुद्र में जेटी बनाने के कॉन्ट्रैक्ट के व्यवसाय से उनकी लाखों रुपए की आमदनी थी, परंतु सारा जीवन वे किराए के मकान में ही रहे और घर खर्च के लिए केवल 500 रुपए ही उसमें से निकालते थे। बाकी की आमदनी वे दूसरों पर खर्च करते थे। अपने खर्चे से लोगों को यात्रा पर ले जाते। उनका सिद्धांत था कि व्यापार में धर्म होना चाहिए, मगर धर्म में व्यापार नहीं होना चाहिए। वे कहते कि मेहनत तो सभी करते हैं, परंतु कमाई हर एक को अपने पुण्य के अनुसार ही होती है, इसलिए पुण्य कार्यों में खर्च करना ही चाहिए। पार्टनरशिप के उनके व्यवसाय में उनकी उत्तम व्यावहारिक सूझबूझ और कुशलता से मुश्किल के समय भी वे कभी उलझे नहीं। व्यवसाय और व्यवहार संबंधी सब कुछ करते हुए भी उनका चित्त तो हमेशा परम सत्य की खोज में और अध्यात्म के अध्ययन में ही रहा करता। निरंतर अंतर में ऐसा ही मंथन चलता रहता कि ये दुनिया किस आधार पर चलती है, इसका कर्ता कौन है। ऐसे अनेक प्रश्नों का सार वे वैज्ञानिक रीति से खोजते रहे। ऐसे में 1958 में जून महीने की एक शाम का लगभग 6 बजे का समय, भीड़ से भरा सूरत का रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बेंच पर बैठे अंबालाल ट्रेन की राह देख रहे थे। तब अचानक एक ही घंटे में उन्हें विश्व दर्शन हुआ। तमाम आध्यात्मिक रहस्यों का संपूर्ण स्पष्टीकरण मिला। विश्व की तमाम वास्तविकताएं अनुभव में आईं। और आत्मा का संपूर्ण अनुभव हुआ। एक ऐतिहासिक आश्चर्य सर्जित हुआ और विश्व को मिले एक बेजोड़ अद्वितीय अक्रम वैज्ञानिक परम पूज्य दादा भगवान। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके अहंकार का संपूर्ण रूप से विलय हो गया। भीतर प्रकट हुए भगवान तमाम आवरणों से मुक्त हुए। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष का समूल नाश हुआ। अपने मन, वचन और काया पर मिल्कियत का भाव ही नहीं रहा। 1958 में सूरत का स्टेशन पे हम शाम को 5:30 बजे एक बांकरे पे बैठा और एक घंटा में हमको सब देख लिया के वर्ल्ड क्या चीज है, किसने बनाया, किस तरह से बनाया, क्यों बनाया, हम कौन है, कैसा है, कर्म है, कर्म को कौन करता है, कर्म कौन कराता है, मोक्ष क्या चीज है, भगवान कौन है,
समाधि क्या चीज है। दो दिन जब इगोइज्म कंप्लीट चले गया, जब इगोइज्म चले गया, जब इगोइज्म कंप्लीट चले गया। तमाम संसार व्यवहार होने के बावजूद उनका चित्त पल पल अंदर प्रकट हुए भगवान के साथ एकाकार रहने लगा। ज्ञान होने के बाद दादाश्री की बस एक ही भावना थी कि जो सुख मुझे मिला वो सारा जग पाए। इस भावना के फलस्वरूप उन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि उन्हें हुए आत्मज्ञान का अद्भुत अनुभव वे अन्यों को भी करवा सकते थे ज्ञान विधि द्वारा। ज्ञान विधि एक ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग है जिससे मात्र दो ही घंटों में मैं और मेरा यानी आत्मा और अनात्मा के बीच का भेद अनुभव में आता है और खुद आत्मा है ऐसा अनुभव होता है। जैसे पुष्ट है और जैसे मेरा शरीर है, बिल्कुल अलग जैसा हो गया हूँ। ज्ञान के बाद व्यवहार तो झोंका तो बना रहा, लेकिन ऐसा अंदरूनी तौर पर ऐसा रहता था कि जैसे मैं इस शरीर से अलग हूँ। साथ ही इस जगत का सच्चा कर्ता कौन है उसकी समझ भी प्राप्त होती है। उसके बाद जीवन में इस ज्ञान की समझ हाजिर रखने से आधि व्याधि उपाधि में भी निरंतर समाधि रहती है। हमारी जो दृष्टि अभी तक सुख दुख का कारण अन्य लोगों और परिस्थितियों को मानती थी, वो दृष्टि अंतर्मुख हो जाती है और हमारे सुख दुख के सभी कारण और निवारण हमारे भीतर ही हैं, ऐसी स्पष्ट समझ पैदा होती है। दादा को मिलने का पहले मेरा दिमाग बहुत गर्म रहता था, दादा को मिला मैं तो ज्ञान मिला तो मुझे ऐसा लगा ठंडक हो गया, बाद में सब बंद हो गया, नहीं ये दिमाग में से निकल गया, भय नहीं रहा। बाहर का कुछ भी बदलता नहीं, वही परिवार, वही संसार, वही ऑफिस, फिर भी सही समझ से अंदर बस आनंद ही आनंद। इतना अंदर से ऐसा उल्लास आनंद था ना कि जैसे सब अंदर से खाली हो गया। ज्ञान विधि हो जाने के बाद दूसरे दिन ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं समुद्र में बैठा हूँ और उसके अंदर आनंद 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 की बौछार उड़ रही हो और वो बिना कारण उड़ रही थी, वैसे कि जब मैंने पहले कभी इसका अनुभव किया ही नहीं था। के दीवड़ो दादा ये प्रगटायो, के दीवड़ो अमर थाए रे। परम पूज्य दादाश्री कहते थे कि ये तो विज्ञान है, विज्ञान यानी जो पढ़ना न पड़े, रटना न पड़े, याद न रखना पड़े, अपने आप ही हाजिर हो जाए, निरंतर वर्तन में रहे, ऐसा स्वयं क्रियाकारी। 4 साल पहले ज्ञान लिया था, पहले मुझे बहुत अहम भाव था, घर में भी अहंकार रहता था, मैं हूँ ये है सब है, लेकिन ज्ञान लेने के बाद क्रोध कम हो गया है। मैं ऐसे कह सकता हूँ सभी ग्रंथियाँ जैसे काम क्रोध लोभ मत्सर माया सभी बहुत कम हो गए। जैसे पहले था वो एक ही दिन में काफ़ी कुछ फर्क पड़ गया मेरे में, क्योंकि मैं तो पहले पापी आदमी था एक तरह से,
मेरी फैमिली जो है ये तो निरामिष थी, सब कुछ दूसरा, मैं दूसरा था। लेकिन अभी बिल्कुल ही दिल ही नहीं किया, कल से पता नहीं क्या ऐसा महसूस दिल में आ गया है कि महसूस ही नहीं हुआ। वे हमेशा कहते थे कि मैं जिस रास्ते पर चला, जो अनुभव मुझे हुआ, वही रास्ता आपको बताता हूं। क्योंकि विज्ञान का तरीका एक ही होता है, चाहे कोई भी प्रयोग करे, पर तरीका सही हो तो परिणाम एक सा आना ही चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञानी की कृपा से प्राप्त हुए ऐसे अद्भुत आत्म अनुभव का शास्त्रों में अक्रम विज्ञान के नाम से उल्लेख किया गया है। क्रमिक मार्ग यानी क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ना, और अक्रम मार्ग यानी लिफ्ट मार्ग, शॉर्टकट। अनंत जन्मों की साधना और जब तब से भी जो स्वरूप प्राप्ति होनी दुर्लभ है, वो यहां सहज ही प्राप्त हो जाती है इस अक्रम वैज्ञानिक की कृपा से। एक ऐसे ज्ञानी जिन्हें शिष्य, पैसे, विषय, मान किसी की भीख नहीं। जीव मात्र के लिए विश्वव्यापी करुणा ही है। जिनकी क्रियाएं संसारी होने के बावजूद संपूर्ण राग द्वेष रहित हैं, सीधा सरल व्यक्तित्व, आंखों में अलौकिक तेज, और किसी का भी अहंकार पिघला दे ऐसा निर्दोष निखालिस स्मित, बालक जैसे सरल, मेरु समान अचल और सागर जैसे गंभीर, जिनकी आंखों में सूर्य जैसा प्रताप और चंद्र जैसी शीतलता छलकती है, उन्हें दादा भगवान कहने वालों को वे हमेशा कहते थे। और अंदर बैठा है वही भगवान है, आप बोलो ना, वो दादा भगवान है और ये हम पटेल है। कि ये जो आपको दिखाई देते हैं वे दादा भगवान नहीं हैं, ये तो A.M. पटेल हैं। मैं तो मात्र ज्ञानी पुरुष हूं, दादा भगवान तो मेरे अंदर प्रकट हुए हैं, वे हैं जो 14 लोक के नाथ हैं। वे आप सभी में हैं पर अव्यक्त रूप में हैं, जबकि यहां हमारे अंदर संपूर्ण रूप से व्यक्त हो गए हैं। वो सब हमने देख के बोला था, कोई शास्त्र की बात नहीं बोलता, हम देख के बोलता है। तो जितना प्रश्न पूछो इधर देख के बोलने में क्या हरकत, कोई बोझा ही नहीं हमको। उनके बेजोड़ अलौकिक प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरी सत्संग में हर कोई अपने अध्यात्म, धर्म और व्यवहार संबंधी प्रश्नों के समाधान पाता था। सोल इंस्ट्रूमेंट मैं कौन हूँ वो बांध में, वो बांध मिल गया कि पूर्णतः ऐसे ऐसे होते हैं। बिल्कुल सीधी सरल सादी भाषा में स्पष्ट रूप से समझ में आए ऐसी ज्ञान की बातें, रोजमर्रा के व्यावहारिक दृष्टांतों से भरपूर उनकी वाणी में, सहज प्रसन्न निर्मल चेहरे में सभी को आत्मीयता का अनुभव हुआ। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही उनकी वाणी बहती रहती थी। उन्होंने कभी भी उपदेश नहीं दिया, वे गुरु नहीं पर गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं। इसमें अंश नहीं होता है, वो सर्वांश है, वो अंश बाहर बोलता है नहीं। कि क्या मतलब है कि उनकी भगवान से जो आवरण है इसमें अंश लाइट मिलता है, कितना जो होल पड़ता है ना तो थोड़ा थोड़ा लाइट मिलता है, अंश बोलता है अंश लाइट मिलता है भगवान का।
ढाई करो मगर ये आवरण है इससे लाइफ पूरा नहीं मिलता। अपने पाँच ही दिए नहीं तो भाई वो इसका लाइफ मिलता है। इस प्रकार पूज्य दादा श्री गांव गांव और देश विदेश में परिभ्रमण करके सत्संग तथा स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करवाकर जीवन के अंतिम क्षणों तक सभी को मोक्ष के मार्ग शाश्वत सुख के मार्ग की प्राप्ति करवाते रहे। अस्सी वर्ष की आयु में 2 जनवरी 1988 के दिन बड़ौदा में संपूर्ण समाधि दशा में उनका देह विलय हुआ। किंतु सूक्ष्म रूप में ज्ञान स्वरूप में अनेकों को आज भी दादाश्री की उपस्थिति की अनुभूति होती है। संसार में अधिक से अधिक लोगों को ये ज्ञान प्राप्त होता रहे और वे सभी शाश्वत सुख को पाएं, इसके लिए उन्होंने पहले से ही आयोजन कर रखा था। लगातार 20 वर्षों तक दादाश्री के सानिध्य में उनकी ही सेवा में समर्पित होकर ज्ञानी की आज्ञा वही धर्म और आज्ञा वही तप, इस प्रकार रहकर अध्यात्म के शिखर पर पहुंचे डॉक्टर नीरू मां को दादाश्री ने आत्मज्ञान प्राप्त करवाने की सिद्धि प्रदान की थी। क्योंकि दादा भगवान ने पोते जाते दीपक भाई अंदर नीरू भाई अंदर दादा भगवान तमारी मैथी बोल से तमें धारो ते बोल से એવી સિદ્ધિ મૂકી આપી દે ઓર ફિર પૂજ્ય નીરુ માને દાદાશ્રી કી રાહ પર ચલકર ઉસી પ્રકાર સત્સંગ ઓર આત્મજ્ઞાન કી પ્રાપ્તિ વિશ્વભર મે સભી કો નિમિત્ત ભાવ સે કરવાઈ। સૌમ્ય પ્રેમમય વહી જ્ઞાન કી બાતે ઓર વહી સરલ આત્મીય શૈલી उनके संपर्क में आकर हरेक को वात्सल्य और शुद्ध प्रेम की अनुभूति होती थी। और यहाँ निरुमा के पास आते हैं तो एक भाव होता है, वात्सल्य मूर्ति माँ एक आप ही मेरे। सच में आपको देखते ही मेरे आंसू निकलने लग जाते हैं। मुझे मेरे व्यसन जो है आज दे देना है आपको। मुक्त मन से डायरेक्ट प्रत्यक्ष किसी भी प्रकार की समस्याओं या शंकाओं से संबंधित प्रश्न पूछकर समाधान प्राप्त कर सकें, ऐसी सत्संग व्यवस्था को विश्व भर में प्रचंड प्रतिसाद मिलता गया। हर किसी को ऐसा लगता है कि ये मेरी अपनी ही बात है, फिर वो आध्यात्मिक हो या व्यावहारिक। कोई भी काम करना चाहे तो पहले नेगेटिव थिंकिंग्स आते हैं, इससे कैसे निकले? तो मेरे जो भी प्रश्न है, मैं जो भी रखा था कि अनुभूति, तो इस अनुभूति के लिए माँ मैं क्या करूँ? परमात्मा एक ही है कि अनेक है? तो यूनिवर्सली कौन सी ऐसी बातें हैं जो सच है, सही है? तो कैसे उस मन को उन चित्रवृत्तियों से दूर करें? संयोग से कोई भी चीज़ होती है तो डेस्टिनी क्या चीज़? थोड़ा डर सा बना रहता है, ये क्यों रहता है? तो इस गुस्सा कम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बैठती हूँ 1-1 घंटा मंदिर में, कुछ भी नहीं होता है, इधर से आता है इधर से जाता है, शांति, सारा दिन अशांति है, रात को नींद भी नहीं है, अशांति है, क्या करें? कुछ उपाय बताओ। जो भी हमें सुख दुख प्रेजेंट में मिल रहे हैं, ये हमारी पास्ट की रिफ्लेक्शन है कि हम फ्यूचर अपना अपने कर्मों से बना रहे हैं। क्या मोक्ष का अस्तित्व है और वो कैसे मिलता है? मोक्ष का अर्थ क्या? मुक्त भाव, सारे दुखों से मुक्ति। और इस तरह युगों बाद विश्व के सम्मुख एक अद्भुत मोक्ष मार्ग प्रकट करने वाले ज्ञानी और उनके ज्ञान की हम सबको पहचान करवाने के लिए पूज्य नीरू मां अविरत रूप से प्रयत्नशील रहे। पूज्य दादाश्री के उनके 20 वर्ष के सानिध्य के दौरान उन्होंने पूज्य दादाश्री की वाणी के एक एक शब्द को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके
ज्ञानी पुरुष की दिव्य वीतराग वाणी सरल पुस्तकों के रूप में हम सभी को उपलब्ध करवाई। आज भी दादा भगवान के जगत कल्याण का ये मिशन उसी प्रकार आगे बढ़ रहा है। परम पूज्य दादा भगवान द्वारा दीक्षित तथा पूज्य नीरू माँ के सहाध्यायी आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई के माध्यम से हवे हमने तो खातरी थई छे के हवे बराबर थई गया छे दीपक भाई, अने हवे हमे नक्की कर्यु छे के दीपक भाई ज्ञान आपन शुरू करे। वे 17 वर्ष की उम्र में ही इंजीनियरिंग के अभ्यास के दौरान पूज्य दादाश्री की सेवा में समर्पित हो गए थे। आंखों में वही तेज, चेहरे पर वही बालक जैसा निर्दोष स्मित, वाणी में वही विनम्रता और मृदुता और वही ज्ञान। मानो पूज्य दादाश्री की ही प्रतिकृति हों। हमारे पुण्यों के प्रताप से शाश्वत सुख का ये मार्ग आज भी खुला है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे शांति का किनारा मिल गया। मुझे लगता है शायद सदियों से मुझे उसकी तलाश थी, जो मेरी पूरी हो गई है। तो ऐसा लग गया कि सारे जीवन के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। कल ज्ञान विधि भी अटेंड किया एंड आई वाज फीलिंग सो गुड दैट आई वाज सो काम। वो जो नेगेटिव थिंकिंग जो आती थी जो ज्ञान लेने से पहले, वो आज सुबह से ऐसा महसूस हो रहा, वो नेगेटिव थिंकिंग थी नहीं मेरे में। आध्यात्मिकता और धर्म में क्या अंतर है? धर्म किसे बोला जाता है? कि बुरे को छोड़ के अच्छे को पकड़ो, पापाचार छोड़ो पुण्याचार पकड़ो, अशुभ छोड़ो शुभ को पकड़ो, वो धर्म बोला जाता है। और अध्यात्म यानी आत्मसम्मुख होना, तत्व विज्ञान पाना, तत्व दृष्टि पाना। तो तत्व ये अध्यात्म इसके लिए बोला जाता है कि यहाँ आदमी दान देता है, सेवा करता है, झूठ बोलता है, गलत कुछ काम करता है, दोष वाला है, कुछ कोई भी प्रकार की गलतियाँ भी है उसमें है। तो यहाँ गलतियों वो प्रकृति की है, भीतर में आत्म तत्व बिगड़ा ही नहीं। जैसे 2H+O, तो पानी जब मैला पानी में से भी एनालिसिस किया तो हाइड्रोजन शुद्ध है, ऑक्सीजन शुद्ध है। यहाँ भी ये प्रकृति के भीतर में आत्मा तत्व स्वरूप से शुद्ध ही रहा है। कोई साइंटिस्ट मिल गया, ज्ञानी पुरुष मिल गए, तो अनुभव में आ सकता है कि मेरा आत्मा बिगड़ा ही नहीं है। अनंत अवतार से इतने भी अवस्थाएं धारण की, स्त्री हुआ, पुरुष हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, गधा हुआ, फिर भी आत्मा तत्व कभी बिगड़ा नहीं। और इसके लिए यहाँ जो अध्यात्म विज्ञान ऐसा है कि 2 ही घंटे में आप अपना ही आत्मा प्राप्त कर सकते हो, और आपको अनुभव में भी आता है कि मेरा स्वरूप कभी बिगड़ा ही नहीं है। लाखों लोगों ने इस सुख का अनुभव किया है, आप क्यों वंचित रहें? हमारी एक भावना है कि बद्धा धर्म ना बद्धा लोको पामे, अने आ ज्ञान एवं छे कि कोई धर्म के वाड़ो के संप्रदाय नो नथी। તો જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન છે, દાદાનું જ્ઞાન છે, ને ચાલી આવ્યું છે અને એ ચાલ્યું રહેશે અને ખૂબ લોકો પામશે। દાદા કહેતા કે આ અડધા જગતનું કલ્યાણ થઈ રહેશે। જૈસે આજ હમ કમ્પ્યુટર કા જમાના હૈ, મોબાઈલ હૈ, તો આપ હી સોચો કે કભી આપને એસે સોચા હૈ કે એ કમ્પ્યુટર કિસને બનાયા? પર હમ તો ઉપયોગ કરતે હૈ, તો યે જૈસા સાયન્સ હૈ, ऐसा ये महावीर भगवान का, ऋषभदेव भगवान का, रामचंद्र जी का, कृष्ण भगवान का, शिव भगवान का स्पिरिचुअल साइंस ही है। ज्ञानी पुरुष के हाजिरी होने से जो प्रत्यक्ष जब ज्ञानी रहते हैं तो अनावरण होता है, ज्ञानी चले जाते, धीरे धीरे आवृत हो जाता है। और खुद दादा भी ये बताते थे कि मैं आपको ज्ञान देता हूँ, व्यवहार में दिखता है कि मैंने ज्ञान दिया आपने लिया, पर मैं आत्मा में रहता हूँ, आपको आत्मा में स्थिर करके देता हूँ। कौन आत्मा किसका गुरु, कौन आत्मा किसका शिष्य, यहाँ गुरु शिष्य का भेद है ही नहीं, यहाँ अभेदता है।
और ऐसा साइंस हमें प्राप्त करना है कि हमारे डे टू डे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए हम सॉल्व कर सकें। ये नया धर्म नहीं है, दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। एक बार आप इस साइंस को एडॉप्ट करोगे तो आपको लगेगा मोस्ट अप्लाइड, मोस्ट प्रैक्टिकल। ये साइंस ऐसा है कि हमारे जीवन के तमाम दुखों से हमें मुक्ति मिली और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो भीतर में आपको राग द्वेष नहीं होंगे, भीतर में संभाव रहेगा, किसी को दोषित नहीं देखोगे, खुद के दोषों से मुक्त होते जाओगे। जैसे हमारे घर में छोटा कैंडल है तो हम कैंडल में कितना उपयोग करोगे करेंगे लाइट का, और आपके घर में फुल लाइट कर दी तो, और फुल लाइट हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको संसार में एक भी ठोकर नहीं लगेगी, क्रोध मान माया लोभ से आप मुक्त होते जाओगे। दादाजी का इतना कुदरती रूप से 1958 में उनको ज्ञान प्रकट हो गया था, निरुमा का दिया 1968 में उनके पास से प्रकट हुआ, मुझे दादाजी के पास 1971 में ज्ञान मिला था, तो मेरा दिया उन्होंने प्रकट कराया। तो एक दिया प्रकट हुआ तो उसे कितने दिए प्रकट हो सकते हैं, तो आपका भी दिया यहाँ टच करके प्रकट करा सकते हो, और एक बार आपका दिया प्रकट हो जाएगा तो आपको भीतर में अनुभव होते जाएगा, भीतर में आनंद निराकुरता बढ़ते जाएगी। बस आपका दिया प्रकट करवा लेना है और तमाम दुखों से मुक्ति पानी है। जय सच्चिदानंद। प्रकाशित दादा।